नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी से दोस्ती बहुत अच्छे से निभानी होती है तो हमें दोस्त की अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी देखना होता है और उसको ये इंश्योर करना होता है कि मेरा जो भी दोस्त है उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों ताकि ये दोस्ती बहुत अच्छे से आगे तक चलती रहे। ऐसा ही दोस्तों भारत और रशिया के रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रशिया का जो बिजनेस है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि बिजनेस बढ़ने का कारण है हम रशिया से कच्चा तेल खरीदते हैं। कच्चा तेल हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रशिया हमको डिस्काउंट पे देता है। मान लीजिए अगर बाहर अगर क्रूड ऑयल का रेट $100 प्रति बैरल है तो रशिया हमको उसमें करीब 15 से $17 का डिस्काउंट दे देता है, तो हमको ये फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि बिज़नेस हमारा और रशिया का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम उससे ख़रीद तो लेते हैं अच्छे से, अब उसको बेचने के लिए हम कुछ है नहीं, मतलब रशिया हमसे ज़्यादा कुछ ख़रीदता नहीं है, हम ही उससे ख़रीदते हैं। तो जब हम ख़रीदते हैं तो रशिया के पास क्या है कि भारत की करेंसी बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही उससे एक इशू है, रशिया उस करेंसी का करे क्या, क्योंकि अब जो हम बिज़नेस करते हैं रशिया के साथ वो रुपया और रूबल में करते हैं। रूबल रशिया की करेंसी है, रुपया भारत की करेंसी है। तो जब एक दूसरे की करेंसी में बिज़नेस हो रहा है और हम उनसे ज़्यादा ख़रीद रहे हैं तो हमारे जो भी रुपये है वो इकट्ठा होता चला जा रहा है रशिया का, अब रशिया उस पैसे का करेगा। तो इसके लिए भारत ने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली ताकि भारत का जो भी पैसा है उसका रशिया यूज कर पाए और रशिया का आगे भविष्य में वो पैसा बढ़े भी। दरअसल दोस्तों भारत ने क्या किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का है इसने एक फेमा एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें कुछ चेंजेस करें जिससे वो रशिया को देखते ही चेंजेस करें ताकि रशिया भारत के पैसे का इस्तेमाल भारत में कर सके इन्वेस्ट करने में। अब ये सोच लीजिए कि ये जो पैसा है ये करीब $147 बिलियन के आसपास है। ये अमाउंट रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लेवरोव उन्होंने बताया है। सोचिए ये $147 बिलियन के आसपास का अमाउंट है, अब इसको रशिया भारत में इन्वेस्ट करेगा। पहले क्या है बहुत ही सीमित जगहें थी, अब क्या है कि इन्वेस्ट वो कई सेक्टर में कर सकता है, जैसे कि भारत की जो भी सरकारी कंपनी है वो पहले तो वहाँ पर ये इन्वेस्ट कर सकता था, अब वहाँ तो कर ही सकता है, साथ ही साथ अब वो प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा लगा सकता है। मतलब कि जो कंपनी लिस्टेड है हमारी स्टॉक एक्सचेंज में उनकी शेयर्स को ख़रीद करके वहाँ पर पैसा लगा सकता है जिससे उसको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा रशिया को, एक फ़ायदा तो ये है। दूसरी चीज़ जैसे कि अभी हमने वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर बनाने जा रहे हैं स्लीपर कोच, तो वहाँ पर भी इस टाइप की जगह में भी रशिया अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये सोचिए दोस्तों, जब ये इस तरह का पैसा, ये जो भी बिज़नेस का पैसा है ये अगर हमारी ही चीज़ में इन्वेस्ट होगा तो इससे फ़ायदा हमारा ही होगा, क्योंकि हमारा ही रुपया हमारी ही जगह लग रहा है, हमारे ही ग्रोथ को बढ़ाएगा। रशिया को जो पैसा उसको 5-6% का 7% का रिटर्न मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों सोचिए कि हमारा पैसा अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, हमको वही पैसा लगाना पड़ता तो हम कहीं से लोन लेते फिर हम उस पैसे को लगाते इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब वो बिल्ड होता हमें ब्याज लग रहा होता। ऐसे क्या है, रसिया हमारे ही पैसे को इंडिया में लगा देगा हमारे प्रोजेक्ट में और हार्डली 5-6% का रिटर्न उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये हमेशा, ये तो भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है कि हमारा दोस्त है वो हमसे नाराज़ भी नहीं होगा और हमारे पैसे का वो यूज भी कर लेगा और हमारा देश का ही पैसा हमारे देश में ही रहेगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, हमारा ट्रस्ट भी रशिया के साथ बढ़ेगा और साथ ही साथ रशिया के साथ अब हमारा बिजनेस भी और बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उसको दिख गया कि हम पैसे का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही पैसा पड़ा नहीं होगा, रशिया ये देख चुका है तो बिजनेस भी अब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे करने की कोशिश करेगा। जैसे रशिया और चाइना इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये रूबल और यूएन जो चाइना की करेंसी है इसमें बिजनेस करेंगे और एक साल के अंदर $260 बिलियन का ये बिजनेस करेंगे। सोचिए दोस्तों इसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है, दो कंट्री ही इन्वॉल्व है, वो अपनी लोकल करेंसी में ही बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे भारत के साथ भी रशिया कर सकता है कि जैसे
अभी चाइना के साथ $260 बिलियन का बिजनेस कर रहा है, ऐसे ही हो सकता है कुछ अमाउंट हमारे साथ भी फिक्स कर दे, वो भारत के साथ भी उसी रेशियो में बिजनेस करे जिस रेशियो में चाइना के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब इससे जुड़ी और कोई खबर आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।